Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 16, the red, rice, green leaf of workbook. So let's start page number 88. Read the following passage carefully and answer the following question. A passage aapko padhna hai aur uske baad iske answer find out karni hai. You must have heard the name of Red Cross. अब आप सभी ने है ना रेड क्रॉस का नाम तो सुना ही होगा. एक होती है रेड क्रॉस सोसाइटी जिनका काम क्या रहता है, जैसे कि कोई बार होती है, बैटल होता है. बार का मतलब कि कोई युद्ध होता है, बैटल होता है. अब वहाँ पर क्या होता है, कोई भी चोटिल हो जाता है, किसी को इंजरी हो जाती है, तो इनकी हेल्प करना. तो रेड क्रॉस सोसाइटी में जितने भी मेम्बर होते हैं उनका काम होता है जो पुअर पीपल हैं, जो इंजर्ड हैं, उनकी हेल्प करना. सो द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. इट्स एम इज वेरी नोबल, और उसका जो एम है, जो उद्देश्य है, बहुत ज्यादा नोबल है, यानी कि बहुत अच्छा है. इट हेल्प्स द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लू एंड फॉर्मर. इनका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो बाढ़ से, अर्थक्वेक से, भूकंप, मतलब इन सारी चीज़ों से प्रभावित हुए हैं, ग्रसित हुए हैं, डिजास्टर हुआ है कोई इनके साथ में, तो उनकी हेल्प करना होता है. इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंडर ड्यूरिंग वार्स, यानी कि ऐसे लोग जो जैसे कि युद्ध होता है, जैसे आपने जाना है, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, वो किसी को ब्लड की जरूरत होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो ऐसे लोगों की ये मदद करती है. इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर. ये मदद तो करती है बिल्कुल सेवा भाव से. कोई किस नेशनल का है, मतलब कि कोई किस राष्ट्र का है, किस देश का है, क्या उसकी कास्ट है, क्या वो गोरा है, वो काला है, वो कैसा है, इन सारी चीज़ों पर तो कोई भी ध्यान नहीं देती हैं. इनका मतलब होता है केवल हमें पर्सन की क्या करनी है, हेल्प करनी है. श्री हेनरी डुनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड. तो सबसे पहले जो स्विट्जरलैंड में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है 1863 में इसकी वो स्थापना हुई थी. इन 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म. अब क्या हुआ, 1920 में जो इंडिया है वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी का निर्माण हुआ. टू इंक्लूडेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट, जूनियर रेड क्रॉस वॉज स्टार्टेड. अब क्या हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी में अब जो स्टूडेंट्स रहते हैं पढ़ने वाले, तो उन्होंने बोला कि हमें भी इसमें ऐड होना है, तो उन्होंने क्या किया, एक जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी बना ली. स्टूडेंट अंडर 16 कैन बी इनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस. अब क्या हुआ, जो भी स्टूडेंट जो अंडर 16 थे, यानी कि 16 ईयर्स से कम थे, उनके लिए जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी ने उनको इंक्लूड कर लिया. द मोटो ऑफ जीआरसी इज आई सर, और इनका केवल उद्देश्य था कि हमें क्या करना है, आई सर, यानी कि मुझे क्या करना है, केवल ऐसे नीडी पीपल जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है हेल्प की, मुझे उनकी हेल्प करना है. इट मेन ऑब्जेक्ट आर हेल्प सर्विस एंड फ्रेंड्स. उनका मेन उद्देश्य था कि लोगों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो, सर्विस करना और दूसरों से मतलब मेल जोल करना, उनसे फ्रेंडशिप करना इनका मुख्य उद्देश्य माना जाता था. द टीचर इंचार्ज ऑफ जीआरसी इज कॉल्ड द काउंसलर. अब जो इनके इंचार्ज थे उनको क्या बोला जाता था कि वो क्या है, काउंसलर है. द स्टूडेंट एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क टुगेदर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग हू नीड केयर एंड सपोर्ट. जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो रेड क्रॉस सोसाइटी के उनके मेंबर थे, वो सारे के सारे काउंसलर के अंडर में काम करते थे. काउंसलर उनको बताते थे कि कौन से पीपल हैं जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, जिनकी हेल्थ में अपन को इम्प्रूवमेंट चाहिए है, तो उनके अंडर में स्टूडेंट काम करते थे और उनकी हेल्प करते थे. सो अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी. तो द रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज व्हाट इज द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी. तो द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इज वेरी नोबल. इट हेल्प द मैनकाइंड सफरिंग फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लू एंड फॉर्मर. यानी कि इनका उद्देश्य था कि जो अर्थक्वेक, फ्लू वगैरह से किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उनकी हेल्प करना. थर्ड इज व्हाट डज द रेड क्रॉस सोसाइटी डू ड्यूरिंग बार. अब जो युद्ध होते थे उनके समय में रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती थी. रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प द सिक एंड द वाउंडर ड्यूरिंग बार्स. इट हेल्प विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर. फोर डेज हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एंड व्हेन. तो श्री हेनरी डुनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी इन 1863 इन स्विट्जरलैंड. गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग.
प्रॉब्लम या अपन ने अभी देखा उसको बोलते हैं काउंसलर। अब बोलते हैं अब करना है अपन को इनमें नेगेटिव सेंटेंस, जैसे डायरेक्टेड किया है वैसे ही करना है। मेक नेगेटिव और क्वेश्चन एज डायरेक्टेड और राइट द सेंटेंस। सो फर्स्ट इज मिस्टर रॉयल लिव्स इन दिल्ली, इसको अपन को चेंज करना है नेगेटिव में। सो सबसे पहले ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी अपन इसका कोई नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज लगता है। अब मिस्टर रॉय क्या है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा डज नॉट। तो मिस्टर रॉय डज नॉट लिव इन दिल्ली। अब जो वर्ब है उसमें से एस और एस हट जाएगा, तो लिव्स में से एस हट के लिव आ जाएगा। सेकेंड इज माई पेरेंट्स लिव इन मुंबई, सो इसका नेगेटिव बनाना है, तो माई पेरेंट डज नॉट लिव इन मुंबई, ये भी एडजेक्टिव उसी जैसा है, सॉरी माई पेरेंट डू नॉट लिव इन मुंबई। थर्ड इज मिसेज डैनियल लिव्स इन पचमढ़ी। अब आपको इसमें क्वेश्चन बनाना है वेयर से, तो जब भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड आते हैं तो डब्ल्यू एच वाले वर्ड के बाद में हमेशा की अपन देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सबसे पहले इसमें लिव्स है, इसीलिए आपको समझना होगा कि प्रेजेंट का टेंस है, और मिस्टर जो मिसेस डैनियल है वो सिंगुलर पर्सन है, तो इसमें डज लगेगा, तो वेयर डज मिसेस डैनियल लिव। अब अपन को पचमढ़ी नहीं लगाना है क्योंकि पचमढ़ी तो क्वेश्चन ही बनेगा, क्योंकि अपन को बनाना है कि मिस्टर डैनियल रहते कहाँ। फोर डेज दे फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड, तो मेक नेगेटिव। अब जो फाउंड है वह बल्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, तो दे डिड नॉट फाइंड अ पॉट ऑफ गोल्ड। फिफ्थ इज ही डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग देम अ टेस्ट। अब आपको इसको क्वेश्चन बनाना है हाउ से, तो जैसे अपन ने ऊपर बनाया हाउ डिड ही डिसाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिक्स इज ही बेंड अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार, मेक नेगेटिव। तो बेंड सेकेंड फॉर्म है इसीलिए इसमें डिड नॉट लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार। सेवेंथ इज दे वांटेड टू स्टे एट द प्लेस, क्वेश्चन बिगिनिंग विद वेयर, तो वेयर के बाद आ जाएगी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर डिड दे वांट टू स्टे और क्वेश्चन मार्क। एट इज रोली वॉज वेरी प्लीज टू सी पचमढ़ी, क्वेश्चन बिगिनिंग विद वाय, तो वाय वॉज रोली वेरी प्लीज और क्वेश्चन मार्क। टू सी पचमढ़ी अपना आंसर है इसलिए उसको हम क्वेश्चन में नहीं लेंगे। नाइन इज विष्णु कुमार विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, मेक नेगेटिव। तो इसमें कुछ नहीं करना है, विल लगा हुआ है ओनली नॉट लगाना है, तो विष्णु कुमार विल नॉट गो टू दिल्ली ऑन संडे। लास्ट इज बाली राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेक क्वेश्चन बिगनिंग विद हु, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड या हु इज बाली राम, कैसे भी आप इसका क्वेश्चन बना सकती हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिया अपन ने और इसकी ग्रामर भी देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन अपने लास्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।